नमस्कार, एमजे टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशीली। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट राकेश कुमार दुबे जी, जो पूर्व में जिला रक्षा संघ के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और 2023-2024 में जिला रक्षा संघ का जो चुनाव होने वाला है उसके संभावित अध्यक्ष प्रत्याशी भी है। तो आइए उनसे हम कुछ मुद्दे पर बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। तो मुद्दे पर बात करते हुए सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे, इस बार चुनाव में आपके क्या मुद्दे रहेंगे? हमारा चुनाव में मुद्दा अध्यक्षता हित काल जी। हम अपने मंत्री काल में अधिवक्ताओं के हित के लिए निरंतर काम किया। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ जनपद न्यायालय में वाहन पार्किंग की थी, जिसके लिए मैं लड़ाई लड़ करके, बड़े बड़े भूमाफियाओं से संघर्ष करके, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रयागराज का जो कार्यालय है उसके सामने जमीन खाली करा करके, भूमाफियाओं के कब्जे से जमीन खाली करा करके वाहन पार्किंग की व्यवस्था किया। शेष जमीन अभी उसमें रह गई है, जिसे उन्हीं भूमाफियाओं ने जबरन जो है कांटे लोहे का तार लगा करके शेष जमीन अपने कब्जे में रखे हुए हैं। मैं जैसे ही अपने अधिवक्ताओं के प्यार से, सहयोग से अगर अध्यक्ष निर्वाचित होता हूँ तो ठीक दूसरे तीसरे दिन जेसीबी लगा करके मैं पूरा ध्वस्त करा करके अपूर्ण वाहन पार्किंग को मल्टी स्टोरेज पार्किंग बनवाने का काम करूंगा, ताकि हमारे अधिवक्ताओं को गाड़ी खड़ी करने के लिए और जो भी जनपद न्यायालय में बाहर से आए हुए हमारे जो वादकारी हैं, अन्य जो संभ्रांत नागरिक जो जनपद न्यायालय में आते हैं और जो हमारे न्यायाधीश हैं उनकी जो गाड़ियां हैं, उन सबके गाड़ियों के खड़ी करने का प्रबंध मल्टी स्टोरेज का वाहन पार्किंग का व्यवस्था करूंगा। तो सिर्फ सर, आपका मुद्दा सिर्फ पार्किंग का रहेगा? पार्किंग के साफ सफाई मैं निरंतर अपने मंत्री काल में स्वयं सुबह 7:30 बजे जाकर और मेयर तत्कालीन मेयर अभिलाषा गुप्ता से यह व्यवस्था करके, और तत्कालीन जो डीएम श्रीमान भानुचंद गोस्वामी जी थे उनके सहयोग से 20-25 जो है सेवादारों की व्यवस्था करके मैं प्रतिदिन जो है हमारे जनपद न्यायालय में अधिवक्ताओं के बैठने की जो व्यवस्था थी 84 खम्भा, 12 खम्भा, अशोक वाटिका, दीवानी परिसर, वर्षों का पड़ा हुआ कूड़ों को ढेर के सफा करा करके निरंतर साफ सफाई का काम करता रहा। कोरोना काल आया, उस कोरोना काल में भी मैंने दवा का छिड़काव से लेकर के निरंतर अधिवक्ताओं का हित का काम किया और किसी भी तरह से अधिवक्ताओं को कोरोना का प्रकोप से ग्रसित नहीं होने दिया, मैं निरंतर उनकी सेवा में तत्पर रहा। इसी के साथ जो है अभी अधिवक्ताओं के बैठने के चैम्बर की जमीन की आवश्यकता है, जिसके लिए मैं अपने मंत्री काल में ही 5 बीघा जमीन डेयरी उद्योग के लिए आरक्षित थी हमारे जिला अधिवक्ता संघ के पश्चिम की तरफ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के पास में, जिसमें अवैध कब्जेदारों ने अपने अपने भवन निर्माण करा लिए थे। हमने उनको डीएम के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से वो संपूर्ण जमीन को कब्जा मुक्त कराया और वो जिला अधिवक्ता संघ के लिए आरक्षित किया हुआ है। हमारे बाद के जो दो कार्यकारिणियां आई, दुर्भाग्यवश जो है उन्होंने अधिवक्ताओं के हित पर ध्यान न रख करके वहां पर संघ का बोर्ड भी नहीं लगा सके कि ये पता चले कि हाँ अधिवक्ताओं की व्यवस्था की गई है। तो पहला काम तो ये करूंगा कि निर्वाचित होते ही वाहन पार्किंग की मल्टी स्टोरेज की व्यवस्था करूंगा। दूसरा, जो जमीन डेयरी उद्योग की खाली कराया हूँ अधिवक्ता संघ को दे करके, अधिवक्ताओं के लिए 3 बीघे जमीन में कुछ ऐसी व्यवस्था कराऊंगा कि वो अपने बच्चों के शादी विवाह के लिए वहां पे करा सकते हैं, बाहर कहीं जा करके अपने पैसे की बर्बादी ना करें। जो पैसा अपने बेटियों की शादी में खर्च करते हैं गेस्ट हाउसों में, वो जो है संघ की तरफ से उन्हें हम देंगे, ताकि वे अपनी बेटियों के बच्चों की शादी विवाह करा सकें। शेष जमीन जो बचेगी उसमें मल्टी स्टोरी जो है अधिवक्ता चैम्बर्स का निर्माण कराएंगे। आने वाले 20 साल में कभी भी अधिवक्ताओं को बैठने की समस्या न हो। तीसरी, मैं अपने कार्यकाल में जो अधूरे काम छूट गए थे, हम न सहयोग होने के कारण कर पाए, उसमें हम अधिवक्ताओं के लिए
मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस की व्यवस्था करूंगा, वो मैं मंत्री काल में कर चुका था, किंतु हमारे जो सहयोगी अध्यक्ष थे और कुछ यहाँ के लोगों के इस कारण ईर्ष्या देश के कारण कि मैं अच्छे काम न कर सकूं जोड़ता हित के लिए, उन्होंने उसमें बाधा उत्पन्न किया। मैं 4,000 अधिवक्ताओं को 5,00,000 रुपए कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा था दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, किंतु उन्होंने हमें वो हम कर नहीं पाए थे, जिसे मैं प्राथमिकता के तौर पर अपने अधिवक्ताओं का हेल्थ इंश्योरेंस का काम करूंगा, उन्हें दिलाऊंगा। और साथ ही साथ जितनी भी समस्याएं हमारे अधिवक्ताओं के सामने आती हैं, प्रशासन से लेकर के न्यायिक अधिकारियों से लेकर के, उसकी व्यवस्था करूंगा। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप काम करेंगे इंश्योरेंस से भी, ऐसा कहा सुनने में आता है कि हाँ जो जिला नक्सल संघ है वहाँ कुछ तरह से बजट नहीं आते कि हाँ हेल्थ इंश्योरेंस जैसे काम हो सके। जिस किसी ने सुनी सुनाई बात कही, मैं उससे यही कहना चाहता हूँ कि मैं जब स्वयं मंत्री था, मैं ही कोष का कस्टोडियन था, मैं कोरोना काल को ही झेला, फिर भी मैंने 51,00,000 रुपए इकट्ठा किया था। और कैसे ये कह दूं कि हमारे पास बजट नहीं आता है, हमारे पास इतना बजट आता है कि हम अपने अधिवक्ताओं को सुरक्षित कर सकते हैं। और यही नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ला करके दूंगा, ये मेरी वचनबद्धता है। दूसरी चीज, हाँ और अगर प्रश्न करें तो नहीं, जैसे कि आप बोल रहे कि हेल्थ इंश्योरेंस से आप मुद्दा उठा रहे, तो एक ऐसा आपको ऐसा नहीं लगता कि हाँ एक अस्पताल भी होना चाहिए अधिवक्ताओं के लिए? हमारे यहाँ अधिवक्ताओं को वही मल्टी स्टोरी जो पार्किंग है, उसी पार्किंग में मैंने ये अपने एजेंडे में रखा है। हमारे यहाँ पिछले कई वर्षों से एक डिस्पेंसरी है जो CMO के द्वारा यहाँ पे स्थापित की गई है, पूर्व की कार्यकारिणी ने ये व्यवस्था करी थी, वहाँ पे अभी पूरी तरह से डिस्पेंसरी के स्वरूप में नहीं है। जो मैं कार पार्किंग के लिए जगह खाली कराई है, आज जो अधिवक्ताओं का हित सुरक्षित है, गाड़ियाँ पार्किंग होती हैं, आज ये कम से कम 100-150 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था वर्तमान में मेरे द्वारा करा दी गई है। उसका बाकायदा उद्घाटन कराया था जो वर्तमान सांसद जो है कृष्ण देवी जी हैं, और वर्तमान हमारे विधायक इंजीनियर हर्षवर्धन वाजपेयी जी हैं, इन लोगों ने उद्घाटन किया था। उसी जगह जब मल्टी स्टोरेज पार्किंग बनेगी, तो एक स्टोरेज से सिर्फ हॉस्पिटल का निर्माण होगा, जिसमें कम से कम 10 बेड और आवश्यक जो है पैथोलॉजी का टेस्ट, अधिवक्ताओं के हेल्थ से संबंधित जो जो भी अधिक अधिक व्यवस्थाएं की जा सकेंगी, वो प्रशासन के सहयोग से, शासन के सहयोग से पूर्णतया मैं स्थापित करने के लिए संकल्पित हूँ, कटिबद्ध हूँ, और ये करा करके ही रहूंगा। क्योंकि राकेश दुबे ने जो संकल्प मंत्री काल में लिया था, उसे करके दिखाया जो आज दिख रहा है, न केवल अधिवक्ता समाज में बल्कि महानगर में आम पब्लिक के बीच में वह वाहन पार्किंग कितनी सहूलियत का काम कर रही है, कितना सहूलियत होती है लोगों को गाड़ियों की पार्किंग के लिए, तो ये मैं मल्टी स्टोरी पार्किंग भी बनवा के दूंगा। तो सर, ये जो हापुड़ जैसे जो घटना घट जाती है, तो उसके लिए आप किसको जिम्मेदार हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। समस्या यह है, जब भी कभी इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं, अधिवक्ताओं और पुलिस में होती है। अधिवक्ता कानून पसंद है, कानून का जानकार है, न्याय सजग प्रहरी है न्याय का, और आम जनता को, मजरूमों को, पीड़ितों को वो न्याय दिलाने का काम करती है। वहीं पर पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था की गई, वो कानून पर नियंत्रण करने के लिए, अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए की गई, लेकिन जब वही पुलिसकर्मी स्वयं अपराध करने लगते हैं, वहां पर अधिवक्ताओं से नोकझोंक होती है। अगर अधिवक्ता न्याय की बात करेंगे तो उनको इससे चिढ़ पैदा होती है। इसलिए ऐसे जो है, सारे पुलिसकर्मी गलत नहीं है, लेकिन हमारे हर समाज में कहीं ना कहीं कमियां, कहीं ना कहीं गलतियां पुलिस विभाग में भी है। कहीं ना कहीं आप पुलिस विभाग को जिम्मेदार मानते हैं? तो ऐसे जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं, उनको भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अगर हम कानून के रक्षक हैं, तो अधिवक्ता समाज कानून का सजग प्रहरी है, जो न्याय दिलाने का काम करता है। दोनों ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे कार्यकाल में संपूर्ण पुलिस प्रशासन
मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया था। मैंने कहा था मेरा अधिवक्ता थाने में भी जाएगा, चौकी में भी जाएगा, जहां कहीं आम पब्लिक की पीड़ा होगी वो उसके सहयोग के लिए जाएगा। हमारे किसी अधिवक्ता का अपमान नहीं होना चाहिए, उसे सम्मान मिलना चाहिए। अगर वो न्याय की बात करता है तो उसका पूरा सहयोग होना चाहिए, और यह व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने मेरे सहयोग से किया था। तो सर अच्छा ये बताइए कि अधिवक्ताओं के आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए और क्या होना चाहिए? देखिए अधिवक्ता के पास कोई नियमित आय नहीं है, आकाशीय वृत्ति है, उसकी योग्यता, उसकी कर्मठता और उसके ज्ञान पर निर्भर करता है, क्योंकि वो आम पब्लिक का सेवक है वो, और जो पीड़ित आएगा उसको जिस अधिवक्ता पे विश्वास होता है उसके लिए वो काम करता है। इसलिए उसका भविष्य सुरक्षित करने के लिए हम लोगों ने शासन से प्रयास निरंतर, हमारे पूर्व के तमाम सजग प्रहरी हमारे अधिवक्ताओं ने प्रयास करके जो है अधिवक्ता कल्याण निधि की स्थापना उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के द्वारा किया गया था, जिसमें शासन जो है हम लोगों को अनुदान देती है, अभी 5 लाख रुपए तक का किया है। हम ये कोशिश करेंगे कि शासन से यह, यद्यपि ये बड़ा काम है, ये बार काउंसिल की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बार काउंसिल पूरे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है और वो सीधे जो है शासन से और मुख्यमंत्री से मिल करके ये कार्य कर सकते हैं। हम लोगों की एक परिधि में अधिवक्ता संघ की एक सीमा है, उस सीमा में हम नेतृत्व कर रहे हैं। तो सर ये बताइए अधिवक्ता तो हर जगह है, अधिवक्ता से ही सारे लोग के काम होते हैं और बुद्धिजीवी भी होते हैं अधिवक्ता, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अधिवक्ता की सीट आरक्षित होनी चाहिए विधानसभा और राज्यसभा में भी? बिल्कुल होनी चाहिए। ये मुद्दा आपने जो उठाया है अत्यंत सराहनीय है। आप लोग भी समाज के सजग प्रहरी हैं, जितने भी न्यूज चैनल में काम करने वाले लोग हैं, न्यूज चैनल जितने हैं, हम तहे दिल से उनकी सराहना करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जिस प्रकार से हम न्याय के सजग प्रहरी हैं, वैसे आप समाज के सजग प्रहरी हैं। जिस प्रकार से शिक्षकों के लिए गवर्नमेंट ने विधि व्यवस्था दे करके उन्हें विधान परिषद में भेजने का काम करती है, वैसे ही अधिवक्ता समुदाय को भी उन्हें एक सीट आरक्षित करनी चाहिए और अधिवक्ताओं को प्रतिनिधित्व देने का काम करना चाहिए। यह हम लोगों की लड़ाई, ये मांग हमेशा रही है सरकार को, लेकिन अभी तक सरकार अपने कान में जो तक नहीं रेंगने दिया और अधिवक्ताओं के लिए ऐसा कार्य, ऐसा व्यवस्था देने का काम नहीं किया। अच्छा सर, जैसे कि अधिवक्ता संघ का जो चुनाव होता है वो हर साल होता है, तो आपको ये नहीं लगता कि इसका कार्यकाल 2 या 5 साल कर देना चाहिए? देखिए ये व्यवस्था ऑल इंडिया बार काउंसिल के द्वारा की गई है। पहले जब हमारे चुनाव होते थे तो निश्चित रूप से 1-2 साल 3 साल तक संघ जो है अपने चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा 2 साल 3 साल चलाते थे, लेकिन होता क्या था, उसका रिजल्ट यह आया कि जो नेतृत्व तो है वो मान लीजिए गलत काम करता चला जा रहा है, अधिवक्ता हित का काम नहीं कर रहा है, तमाम अव्यवस्थाएं उत्पन्न कर दिया है, बार और बेंच में समन्वय स्थापित नहीं हो पाया, आए दिन विवाद होते रहे, आए दिन समस्याएं ज्यादा घटने लगी, तो पूरे देश में इस बात पर चर्चा हुई कि जो भी निर्वाचित सदस्य हों उनको कार्यकाल सिर्फ 1 साल का दिया जाए, ताकि 1 साल में जो उन्हें करना हो अच्छे से करें, उसके उनके जाने के बाद दूसरा कार्यकाल का जो भी चयनित होकर के जाएंगे नेतृत्व करेंगे वो काम करेंगे। इसलिए अब 1 साल का कर दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश प्रत्येक भारतवर्ष के संपूर्ण प्रदेश के जो बार काउंसिल हैं उन लोगों के यहाँ सब जगह 1-1 वर्ष की व्यवस्था की गई है, लेकिन कहीं कहीं पे ये आज हम इतने दिनों से देख रहे हैं जब से व्यवस्था है एक कठिनाइयां तो आ रही है। अगर नेतृत्व तो अच्छा है, संघ का नेतृत्व तो अच्छा काम कर रहा है, अधिवक्ता हित का काम कर रहा है, जैसे आगे बढ़ता है उनको और लाभ देने के लिए उसी समय कार्यकाल पूर्ण हो जाता है और मजबूरन उसे चुनाव कराना पड़ता है। यह एक विसंगति है, इस पर हम सबको सोचना चाहिए और हम अपने जो अधिवक्ता का और जो नेतृत्व करती है बार काउंसिल हमारी जो संस्था है उसमें यह बात चल रही है कि कम से कम 1 वर्ष के बजाय अगर 2 वर्ष का कार्यकाल दे दिया जाए तो निश्चित रूप से वो संघ के उत्थान के लिए अधिवक्ता हित का काम अच्छा कर सकेंगे। लेकिन देखिए ये पूर्ण बहुमत से ही संभव है, व्यक्तिगत सिद्धांतों पर व्यक्तिगत सोच से ये संभावित नहीं होता, संभव नहीं होता है।
तो सर आप ये बताइए कि आप अपने वादे कितने पूरे करेंगे या फिर हर साल की तरह? मैडम देखिए, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने अधिवक्ता समुदाय का। जिस प्रकार से निष्ठा पूर्वक हमें हमारा अधिवक्ता हमें चुनता है, मैं अपने संघ को अपना मंदिर मानता हूँ, मैं अपने संघ को अधिवक्ताओं की आत्मा मानता हूँ, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। संघ में बिना पैर छुए चिड़ियों को उसकी धूल को मस्तक पे लगाए मैं संघ में प्रवेश नहीं करता हूँ। मैंने वचन दिया था, जो जो वचन दिया था मंत्री काल में, वे हम सारे पूरे किए। इंश्योरेंस का भी व्यवस्था में करके निकलता 4000 अधिवक्ताओं को इंश्योरेंस दे रहा था, किंतु हमें सहयोग नहीं मिला। हमारा खाता संचालित जो होता है वो अध्यक्ष मंत्री के द्वारा होता है, किंतु हमारे अध्यक्ष ने मुझे सहयोग न दिया और ये कहा कि मंत्री जी यहाँ के गांधी बनना चाहते हैं। इस नाते उन्होंने सहयोग न करने के कारण मैं अपने उन अधिवक्ताओं को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दे सका, नहीं तो पूरे वादे करके ही मैं बाहर निकलता। मैंने सारे अपने जिम्मेदारियां जो वादे किए थे वो मैंने मंत्री काल में पूर्ण किया और संघ की सदैव सुरक्षा किया। इसी तरह से आज जो आपके सामने अध्यक्ष पद पे हमारे अधिवक्ताओं का लाड प्यार मिलेगा, उनको वो हमें अपना जो है उस जगह पे पहुंचाते हैं, तो यह पूरा पद ही मैं उनको समर्पित करूंगा। मैं नमक रोटी खाऊंगा, सूखी रोटी खाऊंगा, लेकिन अपने अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए, उनके संपूर्ण सुरक्षित जीवन के लिए, अपने संपूर्ण जीवन की आहुति देने के लिए तैयार हूँ। निश्चित रूप से उनके लिए हम वो सारे काम करेंगे जो आज मैं आपके सामने मीडिया के सामने ये मैं वचन दे रहा हूँ। इसे आप जरूर याद रखिएगा, कदाचित मैं अपने निर्वाचित होने के बाद अगर मैं इन दिशाओं से काम न कर सका तो निश्चित रूप से मुझे आगाह भी करने का प्रयास करिएगा। इसके लिए मैं आपसे जो है आपको अभी से आगाह करता हूँ। अच्छा सर, कई बार ऐसे देखने को आता है अधिवक्ता अपने प्रोफेशनल एथिक के खिलाफ भी काम करते हुए पाए जाते हैं, तो क्या इस पर रोक लगनी चाहिए? बिल्कुल, इस पर रोक लगनी चाहिए। मैं इसके प्रबल विरोधी हूँ। मैं अपने कार्यकाल में ऐसे अधिवक्ताओं की कभी मदद नहीं किया जो अधिवक्ता प्रोफेशन से हट करके काम कर रहे हैं। तो मैं तो अपने अधिवक्ताओं के, जो हमारे प्रोफेशनल अधिवक्ता हैं जो अपने व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सदैव कटिबद्ध हूँ। हम पद पे नहीं है तब भी आज भी मैं उनकी मदद करता हूँ। तो सर क्या जिला अधिवक्ता संघ में कभी बेंच और बार के लिए समस्याएं आई है? मेरे कार्यकाल में तो बिल्कुल नहीं आई। बेंच और बार का मैंने अच्छा समन्वय स्थापित किया। तमाम न्यायिक अधिकारी आज भी मेरे ऊपर कोई अंगुली नहीं उठा सकता है। मैंने कभी किसी भी अधिकारी, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे सामान्य प्रशासन, जिलाधिकारी और हमारे यहाँ के कमिश्नर, सबसे मेरे तालमेल अच्छे थे। हम बस इतने कहते थे कि मेरा अधिवक्ता परिवार बहुत बड़ा है, जरूरी नहीं है कि हर जगह नेतृत्व हमारा पहुँचे, किंतु जहाँ भी मेरा अधिवक्ता जाता है आप उनका सम्मान करिए, उनकी आवश्यकताओं को सुनिए, उनका समाधान करिए, हम सदैव आपका सहयोग करते रहेंगे और मैंने किया। तो सर अंत में हमारा यही सवाल है कि आप अधिवक्ता से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं अपने अधिवक्ताओं से यह अपील करना चाहता हूं कि मेरा मंत्री काल उन्होंने देखा है, मैंने कोरोना काल में अपने बाल बच्चों का यह ध्यान नहीं दिया कि कदाचित अगर मुझे कोरोना हो गया तो हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, फिर भी इन सब चीजों का परवाह किए बगैर मैं अपने कुछ 2-4 जुझारू अधिवक्ता साथियों की टीम बनाकर मैं मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से अपना नंबर दे करके उन अधिवक्ताओं को दिया कि जिस किसी को राशन की आवश्यकता होगी, मैं अपने संघ के पैसे को बिना छुए अपने इष्ट मित्रों से और अन्य लोगों से अनुदान लेकर के एक ट्रक राशन मंगवाया और 20 कुंटल आटा, 18 कुंटल चावल, 12 कुंटल दाल और पर डे 2-2.5 कुंटल आलू, तेल और मसाला, इस सामग्रियों को लेकर के पैकिंग अपने हाथ से करता था, अपने साथियों का सहयोग लेता था और संपूर्ण जो है शहर के अंदर जिन जिन जगहों हमारे अधिवक्ता हमको फोन करके बुलाते थे, मैं उनके घर पहुंचता था, उन्हें राशन देता था और मैंने संकल्प लिया था कि कभी भी आप हमें मिलेंगे मैं कभी यह नहीं कहूंगा कि आपके हमें राशन पहुंचाया, कभी आपके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। तो मैं अपने अधिवक्ताओं से अपील करना चाहता हूँ
कि अगर मैंने निर्मल मन से पवित्र हृदय से अपने संपूर्ण जीवन आपके सेवा में आहुति दी है तो निश्चित रूप से ऐसे निष्पक्ष और अधिवक्ता के लिए समर्पित मेरा जो जीवन है उसके लिए ये मुझे चुने, मैं निश्चित रूप से उनके इस जो है प्यार और इस उनके दिए हुए सम्मान का मैं कर्ज उतारूंगा और जीवन पर्यंत उनकी रक्षा करने के लिए सदैव कटिबद्ध रहूंगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका समय दिया। थैंक यू। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा हमारे साथ एडवोकेट राकेश कुमार दुबे जी थे, उनसे हमने जिला अधिवक्ता संघ का जो चुनाव होने वाला है उससे बातचीत की। उन्होंने जैसा कि बताया कि वो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, तो पूर्व मंत्री के कार्यकाल में इन्होंने बहुत कुछ किया है, तो अगर ये अध्यक्ष पद का भी चुनाव जीतते हैं तो ये बहुत कुछ करेंगे अपने अधिवक्ता संघ के जो मेंबर हैं उनके लिए। तो ऐसे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारे एमडी टॉक को फॉलो करते रहिए। मैं फिर धन्यवाद।